हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना ईवीएस का चैप्टर है, जो अपना थर्ड चैप्टर है वो है कैसे जाने हम। क्या चैप्टर है? कैसे जाने हम। तो जो अपना ये चैप्टर है हम इसको रीड करेंगे और पढ़ेंगे। देखो, आपका चैप्टर है कैसे जाने हम। दादाजी कह रहे हैं, ये दादाजी मंदिर के बाहर दादा और पोता हैं दोनों, और इसमें दे रखा है दादाजी बहू मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। दादाजी हैं होते हैं वो अपनी बहू को कह रहे हैं मैं योग शिविर में जा रहा हूँ। बहू बहू दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू भी साथ ले जाइए। वो कह रही है कि दादाजी आप अकेले मत जाइए, सोनू को भी साथ ले जाइए। ठीक है, सोनू को भेज दो सुनकर जाने। दादाजी ने क्या कहा है? ठीक है, भेज दो सुनकर जाने। दादाजी बोले रुक जा बेटा मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। क्या कहा? रुक जा बेटा मंदिर में हाथ जोड़ लूँ। सोनू, दादाजी आप कैसे पता चला कि मंदिर आ गया, आपको तो दिखाई नहीं देता। वो सोनू होता है वो दादाजी के साथ में जाता है और वो कहता है कि रुको बेटा मंदिर आ गया। दादाजी बोलते हैं मैं तो इधर से निकलता हूँ और फिर मंदिर की घंटी की आवाज़ भी तो सुनाई दे रही है। बेटा तुम भी आंखें बंद कर ध्यान से सुनो, कई चीज़ें हमें बिना देखे भी पहचान सकते हैं। देखो इसमें क्या कहा है, कई चीज़ें हम बिना देखे भी क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। चर्चा कीजिए और बताइए। सुनने के लिए किसी के अंग की आवश्यकता होती है, उसका एक चित्र बनाइए। इसमें डिस्कस करके हमें बताना है लोगों को कान से जुड़ी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, कैसे कान में मेल जमना आदि। कौन हम इन समस्या को कैसे बचा सकते हैं? दादाजी नहीं देख सकते इस कारण उन्हें क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, होती होंगी। अब उनको बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, अगर नहीं देखते हैं तो हमें कठिनाइयों का भी क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे सुन कर जाने। दादाजी क्या बोलते हैं? दादाजी सोनू आगे बढ़ चले। क्या बोले? दादाजी व सोनू आगे बढ़ चले और एक जगह दादाजी रुक गए। क्या हुए दादाजी? क्या हो गए बच्चों? रुक गए। और सोनू से बोले बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियाँ बन रही हैं, चलो जलेबियाँ खाते हैं। सुनकर देखो दादाजी होते हैं वो क्या बोलते हैं कि बेटा, एक जगह दादाजी रुक गए और क्या बोले? सोनू बोले बेटा अच्छी सुगंध आ रही है, जलेबियाँ बन रही है, चलो जलेबियाँ खाते हैं। वो खुशबू से अंदाजे लगा रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर घंटी बज की आवाज़ सुनाई दी तो वो उनको पता चला। अब वो बोल रहे हैं कि जलेबी की खुशबू आ रही है, तो दादाजी जलेबी खरीदते हुए इस फोटो में अपने को दिख रहे हैं बच्चों। दादाजी को कैसे पता चला कि जलेबियाँ बन रही है? सुनने के लिए हमें किसी अंग की आवश्यकता होती है। देखो उनको बहुत खुशबू आई है उसके मतलब कि वहाँ जलेबियाँ बन रही हैं। आप किन किन चीज़ों को सुनकर पहचान सकते हो, सूची बनाइए। सर्दी जुकाम होने पर हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो हमें सर्दी जुकाम हो जाती है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है? छू कर व चख कर जाने। दादाजी ने जैसे ही जलेबी हाथ में दी और बोले आहा जलेबियाँ तो गर्म है। सोनू बोले जलेबी खाते ही कहा वाह ये तो बहुत स्वादिष्ट भी है। तभी दादाजी के हाथ पास हाथ पास पड़े थाल पर पड़ा। अरे ये समोसे तो ठंडे हैं। बिना आवाज़ सुने देखे अपने परिवार के सदस्य को स्पर्श करके पहचान कोशिश करें कि वह कौन। देखो अपन घर में कितने सारे लोग होते हैं, उनको देखकर हमें पहचानना है कि वो कौन है। अपनी आंखें बंद करके आपने आसपास किसी भी वस्तु को आपने अपने आसपास किसी भी वस्तु को छूकर पता कीजिए कि ये कैसी हैं। जैसे गर्म है, ठंडी है, गीली है, सूखी है, चिकनी है, खुरदरी है, मुलायम या कठोर है आदि हैं, कैसी हैं। आप आंखें बंद करके महसूस करते हैं ना, अपन कई बार आंखों में पट्टी बांध के ये क्या चीज़ है, तो आपको महसूस करना है कि गर्म है कि गीली है, सूखी चिकनी खुरदरी। अपने मित्र को कहिए कि वह कुछ खाने की चीज़ें जैसे नमक शक्कर कटा हुआ नींबू आदि करके आपके मुंह में रखिए। बिना देखे चक्कर बताइए कि आपके मुंह में क्या है। छूना अच्छा नहीं लगता क्या है? इसमें क्या कहा? छूना अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने सोनू के सिर पर हाथ फेर कर गाल पर हल्की थपकी लगाते हुए प्यार से कहा ये लो तुम्हारे जलेबियाँ।
दादाजी क्या करते हैं, सोनू को जलेबियाँ खरीद के देते हैं। फिर वो कहते हैं, देखो ये लो तुम्हारी जलेबियाँ। सोनू जलेबियों को पैकेट हाथ में थाम कर दादाजी से पूछने लगा कि दादाजी आपका छूना मुझे बहुत अच्छा लगता है तथा अपनापन मिलता है, लेकिन जब अपने पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या कहते हैं, जब वो पड़ोस वाले ताऊ जी मेरे गालों पर हाथ लगाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। दादाजी कहते हैं, मैं उनसे बात करूंगा और उनको समझाऊंगा। ठीक है दादाजी, हमें कभी किसी को छूना अच्छा ना लगे तो उसे स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए। दादाजी क्या कहते हैं, अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है तो हमें उसको क्या कर देना चाहिए कि मना कर देना चाहिए, चाहे वो आपको कितना भी नज़दीक क्यों ना हो, डरना नहीं चाहिए। ऐसी बात की शिकायत अपने घर वालों से करनी चाहिए। देखो ये क्या कह रहे हैं, हमें डियर स्टूडेंट, हमें इनसे शिक्षा मिलती है। देखो ये क्या बता रहे हैं दादाजी, वो कह रहे हैं कि मुझे किसी जो दो पास वाले ताऊ जी, वो अगर वो मुझे छूते हैं तो अच्छा नहीं लगते हैं, तो हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो हमें उसको स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए कि चाहे वो आपकी कितना भी नज़दीक क्यों ना हो, हमें कभी डरना नहीं चाहिए। ऐसी बातों की शिकायत हमें अपने घर वालों से करनी चाहिए। सोचिए और लिखिए, क्या तुम्हें कभी किसी का छूना अच्छा नहीं लगे, क्यों? वो हमें लिखना है कि क्यों नहीं लग अपनापन कुछ, वो जो भी है आपका वो लिखना है इसमें। तुम्हें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो तुम क्या करोगे? नैन देखते चांद सितारे, जीप सदा लेती चटकारे, कान सुना करते हैं ढम ढम, नांग सुनती है गंध सुगंध, हाथ बताते हैं चाय गरम, पांच ज्ञानेंद्र से पहचाने हम। नैन देखते हैं चांद सितारे, जीप सदा क्या करती है चकती, टेस्ट का पता कान हमेशा सुनते हैं, कान हमेशा सुनते हैं, नाक हमें खुशबू का ही पता चलता है ना, हाथ हमें बताते हैं चाय गर्म है, पांच ज्ञानेंद्र से हम क्या है पहचानते हैं। आपने देखा होगा कि आँख कान नाक जी स्पर्श से हमें आपके आसपास की चीज़ों को पहचानते हैं। ये हमारी ज्ञानेंद्रिय हैं, ये आवश्यक हैं कि इनकी संभाल करें हम, कि हमें इनको सही रखना चाहिए तथा तो प्रतिदिन इनकी साफ सफाई करें और निम्नांकित बातों पर विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। देखो कितनी अच्छी बातें हैं, हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कान को साफ करने के लिए कान में कोई तीखी चीज़ जैसे पेन पेंसिल आदि हमें कभी नहीं डालनी चाहिए। हमारे कानों की सफाई करनी तो हम कभी ऐसा करते हैं ना, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। कान को तेज़ सर्दी गर्मी से बचाना चाहिए, कान को तेज़ सर्दी हो और बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उनसे हमें बचाना चाहिए। नाक में अंगुली नहीं डालनी चाहिए। जुकाम होने पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखें। जुकाम होने पर हमें अपना जो रुमाल या टिश्यू पेपर अपने मुंह पे रखना चाहिए, इसे नाक से साफ करें और उससे इधर उधर गंदगी न फैलाएं। आंखों को साफ पानी से धो, अनावश्यक न मसलें। आंखों को हमें क्या रखना, पानी से धोना चाहिए और अनावश्यक रूप से क्या नहीं मसलना चाहिए। लेट कर न पढ़े और टीवी कंप्यूटर आदि को बहुत देर तक न देखें। टीवी कंप्यूटर आदि को हमें बहुत देर तक देखना नहीं चाहिए बच्चों, और हमें क्या नहीं करना चाहिए, लेट कर नहीं पढ़ना चाहिए। रोज़ सुबह दांत साफ करने और जीभ को भी साफ करें। हमें रोज़ सुबह दांतों को साफ करना चाहिए और जीभ को साफ करना चाहिए। रोज़ मल मल कर अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। क्या करना चाहिए, रोज़ मल मल कर हमें अच्छे से शरीर के सभी अंग साफ करते हुए नहाना चाहिए। शरीर के किसी भी अंग या दर्द का कोई समस्या होने पर डॉक्टर को हमें दिखाना चाहिए। शरीर के किसी भी भाग पर दर्द होने पर हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और खाने से पूर्व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह अवश्य धोने चाहिए। क्या करने चाहिए, खाने से पूर्व शौच के बाद साबुन से हाथ अच्छी तरह धोने चाहिए। कभी कभी कुछ लोग ठीक से देख बोल या सुन नहीं पाते, परंतु वह हमारी तरह सामान्य लोग हैं। कभी कभी कुछ लोग देखो बच्चों क्या होते हैं, सुन नहीं पाते, परंतु फिर भी क्या हमारी तरह सामान्य लोग होते हैं, बाकी हमारी तरह कर सकते हैं। आवश्यकता है कि हमें उन्हें समझे और आवश्यकता हो उनकी मदद करें। देखो अब क्या देर का स्टूडेंट नाम के जानू में सोनू कहते हैं, दादाजी आपने जलेबी वाले को पाव जलेबी तोड़ने को कहा, ये पाव क्या होता है? देखो वो कह रहा है कि दादाजी आपने पाव बोला तो ये पाव क्या होता है, तो दादाजी इसको सिखा रहे हैं अच्छी अच्छी चीज़ें।
बेटा पाव यानी आधा किलो का, आधा यानी 250 ग्राम, ये वजन नापने की एक इकाई है। सोनू, दादाजी आधा किलो और आधा किलोमीटर एक ही बात होती है, ये क्या है? नहीं बेटा, किलो वजन का माप है और किलोमीटर दूरी का माप है। देखो, किलो को हम वजन से बोलते हैं और किलोमीटर को हम दूरी से बोलते हैं। दूरी को पहले फिट फ्लांग व मील में मापते थे, अब नई विधि के अनुसार दूरी को सेंटीमीटर या किलोमीटर आदि से भी मापते हैं। पता कीजिए और बताइए समय के माप की इकाई क्या है। ज्यामिति बॉक्स में छोटा सा स्केल है, उस पर कितने सेंटीमीटर अंकित हैं। आपके सब्जी वाले के पास तोलने के लिए कितने कितने वजन के बाट हैं आपको बताना है। दूध वाले के पास दूध मापने के लिए क्या होता है, हमें चित्र बनाना चाहिए। वह दूध किस इकाई से नापता है, हमें ये भी बताना चाहिए। अब देखो, ये भी करना में आंखें बंद कर बंद आंखों से आपको कौन कौन से काम करने में कठिनाइयाँ होती हैं, हमें सूची बना दी है। अरे, आपके आस पास कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो ठीक से देख बोल या सुन नहीं सकते हैं, उनसे मित्रता करो और जानो कि वे इस समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। हमने क्या सीखा बच्चों, वो हम देखते हैं। हम अपनी ज्ञानेन्द्रियाँ नाक और कान और जीभ से, हम त्वचा से अपने आसपास की दुनिया को जानते समझते हैं, पहचानते हैं। हम स्वयं के बारे में सजग रहना चाहिए बच्चों, हमें क्या रहना चाहिए, स्वयं के बारे में क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए। और हमें स्वयं के अपनी ज्ञानेन्द्रियों को साफ रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए बच्चों, हमें साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है, अगर बच्चों हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगता है तो हमें उसको स्पष्ट मना कर देना चाहिए और घर वालों को ज़रूर बता देना चाहिए। हमें अपने घर वालों को क्या करना है, ज़रूर बताना चाहिए। क्या करना चाहिए, ज़रूर बताना चाहिए। किसी वस्तु से की मात्रात्मक जानकारी के लिए हमें माप की इकाई वस्तु का प्रयोग करते हैं, जैसे समय के लिए सेकंड, मिनट के लिए घंटे, दिन वर्ष आदि। दूरी माप के लिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि। तरल पदार्थ हेतु लीटर। वजन माप के लिए ग्राम, किलो आदि, ये सब यूज़ करते हैं ना बच्चों। हमने समझा है, हमें बताने ये क्वेश्चन, हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। आपको ये दो क्वेश्चन करने हैं बच्चों और इनके नाम लिखने हैं। विशेष योगजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये दोनों क्वेश्चन आपको क्वेश्चन करने। शारीरिक व भावनात्मक सुरक्षा हर बच्चे का अधिकार है। देखो बच्चों, क्या दे रखा है, शारीरिक वे भावनात्मक सुरक्षा का हर बच्चे का। भावनात्मक मतलब किसी भी प्रकार के भावनात्मक, शारीरिक व भावनात्मक हर बच्चे का क्या है, अधिकार है। क्या है, अधिकार है। हमें उनसे क्या है, बचना है। हमारे शरीर में कितनी ज्ञानेंद्रियाँ, उनके नाम लिखे हैं। विशेष योगजन के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए और शारीरिक व भावनात्मक हर बच्चे का हमारा क्या है, हमने सीखा है। देखो बच्चों, कान, जीभ और जो त्वचा होती है वो आसपास की दुनिया को दुनिया जानते हैं, समझते हैं और इनके द्वारा ही हम पहचानते हैं ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा। हम स्वयं के बारे में हमें सजग रहना चाहिए और अपनी ज्ञानेन्द्रियों को साफ रखना चाहिए। अगर हमें किसी का छूना अच्छा नहीं लगे तो हमें उसको स्पष्ट रूप से मना कर देना चाहिए, घर वालों को ज़रूर बताना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपने देखा ये लेसन आपका जो है कम्प्लीट होता है और ये आपके जो लेसन का नेम है वो क्या है, कैसे जाने हम, कैसे जान सकते हैं हम। देखो, दादाजी ने मंदिर की घंटी आवाज़ सुन के मंदिर का पता लगाया और सोनू कह रहा आप तो देख भी नहीं पा रहे, मतलब, और खुशबू से उसने जलेबी का याद किया। सोनू को अच्छी शिक्षा दी दादाजी ने और उसको मतलब ज्ञान के द्वारा समझाया है कि कैसे मतलब दूरी को किससे नापा जाता है, वजन को किससे नापा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपके ये लेसन कंप्लीट होता है और ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं नोटबुक में। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।